हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1a a² bc 1b b² ca 1c c² ab a। इस डिटरमिनेंट की हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास है 1a a² माइनस ऑफ बी सी, 1b b² माइनस ऑफ सी ए, ये 1c c² माइनस ऑफ ए बी, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा लेते हैं या सिंपल सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा करके सॉल्व करते हैं। तो ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने, और ऑपरेशन लगाने वक्त ध्यान रखना है कि हमें दो एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम में हमें जीरो बनानी है। तो हमने आर वन पे पहले लगाया आर वन माइनस ऑफ आर टू, एड आर टू पे लगाया हम लोगों ने आर टू माइनस ऑफ आर थ्री। इसका मतलब आर थ्री पे ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं लगाया, तो ये दोनों को, तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा। इस पे आ गया तो ये ए माइनस ऑफ बी हो गया, ए माइनस बी। अब इन दोनों को देखे तो ए वाला जो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसमें से देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें से ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा। और यहाँ पे देखिए सी सी कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए आएगा। तो इससे क्या हमारे पास निकल करके आ रहा है कि ये जो आएगा ए माइनस बी एक कॉमन आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी जीरो हो गया, और ये बी माइनस ऑफ सी हो गया, बी माइनस सी, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा बी माइनस सी। देखो ये दोनों करेंगे तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ से देखिए क्या ए कॉमन आ रहा है सी माइनस बी, तो माइनस में है तो बी माइनस सी आ जाएगा, तो बी माइनस सी आ गया। और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी। थर्ड में तो लगाया नहीं हम लोगों ने, तो ये वन सी ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो से कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से बी माइनस सी ले लिया, कॉमन लिया। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉमन लिया और लिया बी माइनस ऑफ सी कॉमन ले लिया, तब डिटरमिनेंट क्या बचेगा, पहले में जीरो, ये वन हो गया, और ये ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, ये हमारा जीरो हो गया, वन हो गया, और ये ए प्लस बी प्लस ऑफ सी। यहाँ पे वन सी सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या है, इस वाले रो रो वन एंड रो टू दोनों क्या है, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर दो रो किसी भी डिटरमिनेंट के आए, तो दो रो या कॉलम, दो कॉलम क्या आइडेंटिकल होता है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू पूछा गया था वो हमारा जीरो आ गया, तो आंसर जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।